ओके क्लास, आज हम लोग देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टॉपिक रहेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे हम एमटीपी भी बोलते हैं, एमटीपी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, या इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, पहले हम लोग समझते हैं कि एमटीपी है क्या चीज। एमटीपी का मतलब हुआ कि वॉलंटरली अगर हम फुल टर्म होने के पहले, पार्चुरेशन के पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहा है तो इसी को बोल देते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम ये कह लें कि वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। ठीक है, अब देखना कि हम ये मानते हैं कि एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इजी होगा, ठीक है, और सेफ रहता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते एमटीपी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, ठीक है, प्लेसेंटा ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाने की वजह से क्या कहते हैं कि अबॉर्शन थोड़ा सा रिस्की होता चला जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट बिकम्स रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। और जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में जाएंगे ये और ज्यादा रिस्कियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेना कि आज के टाइम में जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला टेक्निक है थ्रू आउट द ग्लोब वो है वैक्यूम एस्पायरेशन का टेक्निक। ठीक है, हम ये कह दें वैक्यूम एस्पायरेशन। वैक्यूम एस्पायरेशन है क्या कि एक सक्शन के थ्रू इम्ब्रियो को ड्रॉ कर लेना या फीटस को ड्रॉ कर लेना बर्थ कनाल के पैसेज के थ्रू। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं वैक्यूम एस्पायरेशन। हम ये कह दें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्निक फॉर एमटीपी। ठीक है, वेयर सक्शन इज यूज्ड टू ड्रॉ फीटस और इम्ब्रियो। ठीक है, तो ये हो गया वैक्यूम एस्पायरेशन। एक सक्शन पंप रहता है जो क्या करता है वेजाइनल पैसेज के थ्रू उसको एंटर करके और शक करके एयर प्रेशर के थ्रू हम जो इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको
बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यही है वैक्यूम एस्पायरेशन। एक चीज ये देखना कि जो वैक्यूम एस्पायरेशन की टेक्निक है वो बहुत छोटा इम्ब्रियो रहेगा तब तक के लिए सेफ है, जब इम्ब्रियो बड़ा हो जाए या फीटस में कन्वर्ट हो जाए तो उस समय ये रिस्कियर रहता है, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर चुका है, ठीक है, और बाकी सारी सारे मसल्स ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय वैक्यूम एस्पायरेशन थोड़ा अनसेफ प्रोसेस है। हम ये बोल सकते हैं इट इज सेफ एज अर्ली एज 5 वीक्स, 5 वीक्स प्रेगनेंसी, ठीक है, 5 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए ये वैक्यूम एस्पायरेशन प्रोसेस सेफ माना जाता है, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं कि एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं मिफ्रिस्टोन, या इसको पढ़ सकते हैं MIFEPRISTONE, ये जो मेडिसिन है ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये इंड्यूस करता है लेबर पेन को, ठीक है, मतलब यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने वाला मेडिसिन है, तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो पुल्ड होकर के बाहर चला आएगा, ठीक है, और जो डेसिडुआ बना हुआ है वो भी टूट करके बाहर आ जाता है, ठीक है, और वेजाइनल पैसेज के थ्रू फ्लो करके बाहर चला जाता है। ये मेडिसिन तब यूज किया जाता है कि जब फीटस में इम्ब्रियो का डेथ हो जाए, सॉरी माफ करना, जब यूट्रस में इम्ब्रियो या फीटस का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, अबॉर्शन इंड्यूस करवाने के लिए या बर्थ इंड्यूस करवाने के लिए MIFEPRISTONE मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं मेडिसिन यूज्ड इन टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बाय इंड्यूसिंग लेबर यूज्ड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ फीटस इन वूम, ठीक है, तो ये काम हो गया मिफ्रिस्टोन का। अब देखते हैं कि एक चीज ध्यान में रखना कि लगभग 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है ईयरली, ठीक है, और ये जितनी प्रेगनेंसी कंसीव की जाती हैं, ठीक है, उसका 1/5 ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि यहाँ पे जितनी कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती हैं उसका लगभग 1/5 को टर्मिनेट कर दिया जाता है थ्रू आउट ग्लोब, और ये जो डेटा है वो लगभग 50 मिलियन का होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब ये चीज ध्यान में रखना कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीगलाइज नहीं करी थी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से MTP इंडिया में
अनलॉफुल था, इलीगल था, ठीक है। अब उस केस में भी ये लीगल नहीं था जब मदर को या फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशन हो और दोनों के लिए फैटाल हो सके, ठीक है, या फिर कोई रेप का केस हो, ठीक है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स का केस हो, ठीक है, किसी भी केस में इसे अनलॉफुल माना जाता था, इलीगल माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसके नीड को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का दिया हुआ डेटा है, इस पर ध्यान रखना कि हम ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी थ्रू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ठीक है। यहां पे एक्ट नंबर जो है वो एक्ट नंबर है 34, ठीक है। तो एक्ट नंबर 34 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस, हम ये बोल दें विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस। अब कंडीशंस इसलिए लगाए गए थे ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके। बेसिकली जो मेल और फीमेल चाइल्ड में जो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके वजह से जो फीमेल फिटिसाइड है इसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड मिसयूज, ठीक है। ये हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब ये देखना कि एमटीपी एक्ट 20 वीक्स ओल्ड तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का परमिशन देता है। अगर वो रेप्ड वीमेन है तो 24 वीक्स ओल्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का परमिशन दे देता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ of up to 20 weeks old pregnancy and in case of raped women it is 24 weeks, ठीक है। अब ये देखें अगर पूछा जाए कि वाई टर्मिनेशन मतलब वाई एमटीपी, तो हम क्या कह सकते हैं कि एमटीपी की जरूरत क्यों है। तो इसलिए है ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा मिल सके। अब वो अनवांटेड प्रेगनेंसी किस वजह से आई, जैसे हम ये समझ लें कि कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, या फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, मतलब प्रोटेक्टिव प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, ठीक है, या फिर हम ये कह लें कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन, ऐसा सिचुएशन जब प्रेगनेंसी हार्मफुल हो फीटस के लिए या मदर के लिए या दोनों के लिए, तो उस सारे कंडीशंस में हम कहते हैं कि इसका जो एमटीपी है वो जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं वाई एमटीपी
आंसर ये हो सकता है कि ऑब्वियसली हम बोल दें, ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड या और इन कंडीशन वेयर प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फॉर फीटस और मदर और बोथ और इन केस ऑफ रेप, ठीक है, इन सारे कंडीशंस में एमटीपी की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हम लोगों को देखना है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो इससे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये हो गया एमटीपी, बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एमटीपी एक्ट से ही, अक्सर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो एमटीपी एक्ट से ही पूछा जाता है कि किस ईयर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और बाकी इसमें से दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ओके बाय।